इस मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को सड़क पर जाते हुए देखते हैं। तभी कार से कुछ लोग आते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को किसी हॉस्पिटल जैसे जगह पर पाती है। तो वो बहुत तेज चिल्लाती है और उन लोगों से छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वे लोग उसे बेड पर लिटा कर कहीं ले जा रहे थे। तो लड़की उनसे कहती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसके साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन वे लोग उसका कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। और कुछ टाइम बाद उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी है, जिसे एक चैन से बांध कर रखा गया था जैसे कोई जानवर को बांधा गया हो। तो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है कि आखिर ये कौन सी जगह है और उसे जगह पर क्यों लाया गया है। लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता और बस दरवाजे के बाहर से उसे देखते हैं। उस छोटे से जगह में लूसी को छोटा सा गद्दा दिया गया था और उसी पर सिकुड़कर लूसी को सोना पड़ता है। कुछ टाइम बाद एक डॉक्टर उसके लिए खाना लेकर आती है। तो लूसी उससे कुछ बात करना चाहती है क्योंकि वो टॉयलेट जाना चाहती थी। तो वो डॉक्टर उसके बैठी हुई जगह के पास इशारा करती है, यानी उस छोटे से रूम के अंदर ही लूसी को सोना भी था और बाथरूम भी, यानी उसे बिल्कुल जानवरों की तरह रखा गया था। और फिर जब लूसी उस खाने को देखती है तो एक डॉग फूड था, तो उस खाने को नहीं खाती और ऐसे ही सो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि कोई सीसीटीवी कैमरे से लूसी पर नजर रखे हुए है। और फिर जब अगले दिन डॉक्टर उसके लिए खाना लेकर आती है तो वो देखती है कि उसने पहले वाला खाना भी नहीं खाया है। तो वो गुस्से में उसे खाना नहीं देती और पहले वाला खाना भी अपने साथ ले जाती है। अब ऐसे एक दिन और बीत जाता है। अगले दिन डॉक्टर फिर उसके लिए खाना लेकर आती है और इस बार वो प्लेट को उसे थोड़ी दूर रख जाती है। लूसी को वहाँ पर पूरे 3 दिन हो गए थे, उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। और फिर वो उस प्लेट को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है जो कि उसकी पहुंच से बहुत दूर था, बट अंत में पकड़ ही लेती है और फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, शायद वो भी लूसी की तरह ही कैद था। लेकिन तभी लूसी को नींद आने लगती है और वो बेड पर गिर जाती है, शायद उस खाने में कुछ मिलाया गया था। अब अगले दिन उसे एक कुत्ते की तरह नहलाया जाता है और फिर उसी तरह भीगे कपड़ों में ही उसे सोने के लिए उस कमरे में बांध दिया जाता है। और फिर सुबह होने पर उसे एक ग्राउंड में ले जाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ दीवारें ही दीवारें थी और माइक में कोई लड़की उसे ठीक से चलने के लिए बोल रही थी। और इसी का फायदा उठाकर लूसी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले में एक पट्टा लगा हुआ था जिसमें रेड लाइट ऑन हो जाती है और वो ही बेहोश जाती है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को उसी जगह बधा पाती है और वो तभी वहाँ अपने ही तरह बधे उस आदमी को देख लेती है जिसका नाम एडन था। और फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक डॉक्टर उनके लिए खाना लेकर आता है जिसे लूसी तुरंत खाना लगती है। लेकिन एडन उसे खाने से मना करता है कि ये खाना मत खाओ, हो सकता है इसमें कुछ दवा मिलाया गया हो। तो लूसी कहती है अगर नहीं खाएंगे तो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, ऐसा करो कि तुम भी खाओ। लेकिन एडम उस खाने को नहीं खाता। तभी एक गार्ड उसे खाना खाने के लिए बोलता है, लेकिन एडम फिर भी खाना नहीं खाता। तब कुछ टाइम बाद एक गार्ड उनके पास आता है और उन दोनों को एक इलेक्ट्रिक छड़ी से बेहोश कर देता है। और कुछ टाइम बाद जब दोनों को होश आती है तो दोनों अपने आप को काफी करीब पाते हैं, जहाँ पर एडम बड़े दुखी मन से कहता है, क्या हम कभी इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। जिस पर लूसी कुछ भी नहीं बोल पाती और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी गार्ड उन्हें बातें करने से रोकता है और दूर दूर रहने के लिए बोलता है। तभी अचानक उनके गले के पट्टे में रेड लाइट ऑन हो जाता है जिससे दोनों फिर से वहीं बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो एडम देखता है कि डॉक्टर उसके लिए फिर से खाना लेकर आया है। तो फिर वो उसी की छड़ी से उसे बेहोश करता है और उसकी चाबी लेकर लूसी और अपने आप को आजाद कर लेता है और वहाँ से भागने के लिए कहता है। तो लूसी कहती है हम लोग यहाँ से नहीं भाग पाएंगे क्योंकि वे लोग हमें कैमरे से देख रहे हैं। लेकिन फिर भी एडम भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूसी खाने की प्लेट से एडम के सर पर वार करती है जिससे वो तुरंत बेहोश जाता है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। दरअसल लूसी भी एक डॉक्टर ही थी जो कि खुद इस एक्सपेरिमेंट को फेल कर रही थी। दरअसल उनके कॉलेज में उन लोगों का बिहेवियर एक्सपेरिमेंट का प्रयोग चल रहा था कि अगर किसी ह्यूमन को जानवर की तरह रखा जाए और उसे जानवर की तरह ही ट्रीट किया जाए तो उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। वे लोग इसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और फिर लूसी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे अपने फ्रेंड के पास आती है जिसमें उसके फ्रेंड एरिक और जॉर्ज होते हैं और उनसे इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस लाने के लिए कहती है कि हम खाने में अब कोई भी नशे वाली दवा का यूज नहीं करेंगे। तो एरिक उसे समझाती है कि वो अभी भी इस एक्सपेरिमेंट को क्विट कर सकती है क्योंकि उस जगह पर और भी लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। लेकिन लूसी इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वह इसका रिजल्ट देखना चाहती थी। तभी उनके ऑफिस में इस एक्सपेरिमेंट के मेन लीडर फिशर का कॉल आता है जो कि इस एक्सपेरिमेंट के मेन हेड थे। और फिर लूसी एरिक को समझाते हुए उस जगह पर जाती है जहां एरिक उसे फिर से चैन से बांध देती है। लेकिन लूसी एक बार उसे बार बार रिपीट कर रहे थे कि खाने में कोई भी दवा ना मिलाया जाए। तो एरिक कहती है
भरोसा रखो ऐसा ही होगा। और कुछ टाइम बाद जब एडम को होश आता है तो उससे कहता है कि कल रात मैं यहाँ से भाग रहा था तो फिर यहाँ कैसे आ गया। तो लूसी उसे समझाते हुए कहती है कि खाने में नशा होने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, या फिर हो सकता है तुम्हें कोई सपना आया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो यहाँ एडम को भी ऐसा ही लगता है और वो उसकी बात का भरोसा कर लेता है। अब अगले दिन उन दोनों को फिर से उसे ग्राउंड में लाया जाता है और फिर चलने के लिए बोला जाता है, जहाँ एडम लूसी से बताता है कि अगर हम उस टावर को पार कर गए तो हमारे गले के पट्टे का सिग्नल उन्हें नहीं मिल पाएगा और हम यहाँ से आराम से भाग सकते हैं। जिस पर लूसी उसके साथ भागने का नाटक करने लगती है लेकिन कुछ ही दूर जाने पर गिर जाती है। बट एडम थोड़ी दूर निकल गया था और उस पर उस पट्टे के सिग्नल का असर नहीं हो रहा था। वह चाहता तो अकेले ही वहाँ से भाग सकता था लेकिन वह लूसी को अकेले वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था। दरअसल लूसी भी यही चेक करना चाहते थे कि एडम उसे कितना चाहता है। फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं और फिर जब एडम को होश आता है तो वह अपने आप को एक बेड पर पाता है जहाँ जॉर्ज जाकर उसे एक मॉन्स्टर इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वो उसे देखकर डरने लगता है क्योंकि वो उसे अब एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और यही काम जॉर्ज सेम लूसी के साथ भी करता है। उधर एरिक अचानक से दो सीसीटीवी कैमरे को बंद देखकर काफी परेशान हो जाती है और वो जब इस बारे में जॉर्ज से पूछती है तो कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर एरिक को कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए वह खुद दो डॉक्टर को अपने साथ लेकर उस कमरे में जाती है जहाँ लूसी कैद थी। और जैसे ही लूसी की आँख खुलती है तो वो फिर से उनके फेस को देखकर चिल्लाने लगती है क्योंकि अभी भी उस पर मॉन्स्टर इंजेक्शन का असर था। इसके बाद एरिक एडम और लूसी को फिर से उस जगह पर ले जाकर बांध देती है और यह पूरी घटना के बारे में अपने मेन लीडर फिशर को बता देती है, जिसके बाद डॉक्टर फिशर जॉर्ज पर बहुत गुस्सा करती है और दोबारा से कभी भी मॉन्स्टर इंजेक्शन ना देने की वार्निंग देती है। और फिर वो एरिक से लूसी को बाहर निकालने के लिए बोलती है और उसे होश मिलाने के बाद मॉन्स्टर इंजेक्शन के बारे में पूछती है। तो लूसी उससे बताती है कि मैंने खुद ही जॉर्ज को इंजेक्शन देने की इजाजत दी थी क्योंकि वह इंसानों पर पूरा कंट्रोल पाना चाहती है। तो फिशर उनसे इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर बंद करने के लिए बोलती है लेकिन यह बात लूसी को पसंद नहीं आती और वो इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने के बजाय उसी का गला दबाने लगती है और उसे वहीं बेहोश करके एक आइस वाले रूम में बंद कर देती है। और फिर वापस अपने फ्रेंड के पास आकर उनसे कहती है कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए डॉक्टर फिशर से इजाजत ले ली है। और फिर एरिक लूसी को ले जाकर एडम के जगह बांध देती है जहां लूसी उससे बताती है कि आज रात हम यहां से भागने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जॉर्ज कैमरे में लूसी को डॉक्टर फिशर के टैबलेट को छुपाते हुए देख लेता है और जल्दी से वहां जाकर उस टैबलेट को बाहर निकाल लेता है। अब टैबलेट को हाथ में लेते ही उस पूरे एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल डॉक्टर जॉर्ज के पास हो गया था। वहीं एरिक जॉर्ज को ये सब करते हुए देख रही थी। उसके हाव-भाव को देखकर वह समझ जाती है कि डॉक्टर जरूर इसका कुछ गलत फायदा उठाने वाला है। इसके बाद जॉर्ज उसे आइस वाले रूम में जाता है जहां डॉक्टर फिशर बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर फिशर जॉर्ज को देखकर उससे हेल्प मांगती है लेकिन जॉर्ज उनकी मदद करने के बजाय अपना असली रूप दिखाता है और वही अलमारी पर रखे एक टूल बॉक्स को डॉक्टर फिशर के चेहरे पर गिराकर उनका भर्ता बना देता है। वहीं डॉक्टर एरिक को जॉर्ज के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वह सारे लाइट्स को ऑफ करके उसके पीछे जाती है और वह आइस रूम में डॉक्टर फिशर की हालत को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और उसे चुप करते हुए कहता है कि ये सब लूसी ने किया है। अब आगे एरिक कुछ समझ पाती तभी जॉर्ज उसे एक इंजेक्शन लगाकर वहीं बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लूसी को काफी लंबे समय तक लाइट ऑफ होने की वजह से उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह खुद के पास रखी चाबी से खुद को आजाद कर लेती है और साथ ही एडम को भी आजाद कर देती है। एडम लूसी के पास चाबी को देखकर काफी हैरान होता है लेकिन लूसी अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वही जॉर्ज कैमरे में उन्हें भागता हुआ देख रहा था, इसीलिए वह उन दोनों के गले में लगे हुए कॉलर को ऑन कर देता है क्योंकि अब सारे एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल उसके हाथ में था। कॉलर के ऑन होने से दोनों वही बेहोश जाते हैं। अब आगे जॉर्ज एडम के साथ एरिका को भी बांध देता है। जब दोनों को होश आता है तब एडम उससे लूसी के बारे में पूछता है। तब एरिका उसे सारी सच्चाई बता देती है कि हम सब यहाँ इंसानों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट कराने वाली कोई और नहीं बल्कि लूसी ही है। पहले तो एडम को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता लेकिन जब एरिक उससे बताती है कि एक बार तुम किसी तरह से आजाद हो गए थे और तुम अपने साथ लूसी को भी आजाद करके यहाँ से भागने वाले थे लेकिन तभी किसी ने वार करके तुम्हें बेहोश कर दिया था, पीछे से तुम पर वार करने वाली कोई और नहीं बल्कि लूसी ही थी। यह सब सुनकर अब धीरे धीरे एडम को उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। वहीं दूसरे रूम से लूसी उनकी सारी बातों को सुन रही थी। लूसी को यह सब देखकर काफी बुरा लग रहा था क्योंकि लूसी एडम से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। अब एडम उसकी सच्चाई जानने के बाद उससे कभी भी नहीं अपनाएगा, यह जानकर लूसी बहुत दुखी होती है। इसके बाद जॉर्ज लूसी को एडम से मिलाने के लिए ले जाने लगता है जहाँ उसे रास्ते में उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड मिलते हैं जहाँ उसने उन सबको अपनी जाल में फंसाकर उन पर कुत्तों जैसे एक्सपेरिमेंट करवा रही थी। इसके बाद जॉर्ज लूसी को लेकर उन दोनों के पास पहुँच जाता है।
जहाँ एरिका जॉर्ज से ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर रोकने के लिए बोलती है। लेकिन जॉर्ज लूसी को टैबलेट देते हुए कहता है कि तुम एरिका और एडम में किसे मारना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद एडम तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, और दूसरी तरफ एरिका ने तुम्हें धोखा दिया है। वही एरिका लूसी को यह सब यही रोकने के लिए कहती है, लेकिन लूसी गुस्से में एरिका के बटन को प्रेस कर देती है। वही जैज ने दोनों के बटन को आपस में पहले ही रिप्लेस कर दिया था, जिससे एरिका के बटन को दबाने पर एडम के गले में लगा कॉलर एक्टिवेट हो जाता है। यह देखकर लूसी जॉर्ज से एडम के कॉलर को ऑफ करने के लिए कहती है। इस पर जैज उसके सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर तुम एडम को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारना होगा। दरअसल इस खेल में सबसे बड़ा विलेन का रोल जॉर्ज ही निभा रहा था। अब एडम को बचाने के लिए लूसी उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जॉर्ज उसे इस खेल को यहीं पर रोकने के लिए उसे टैबलेट देता है और एंड द गेम वाले बटन को प्रेस करने के लिए कहता है। लेकिन तभी लूसी उस टैबलेट से खुद की कॉलर को ऑन कर देती है। यह देखकर जॉर्ज उसे बचाने के लिए उसके गले के कॉलर को निकाल देता है, लेकिन लूसी बेहोश होने का नाटक करने लगती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जॉर्ज लूसी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे बचाने के चक्कर में उसके मुंह में सीपीआर देने लगता है। लेकिन तभी लूसी उसके होंठ को ही काट देती है। इससे गुस्सा होकर जॉर्ज एडम को ही मार देता है, और इसी बीच लूसी और एरिका वहाँ से भागने लगती हैं। वहीं जॉर्ज भी एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन को लेकर उनके पीछे आता है, और कुछ ही समय में जॉर्ज लूसी को पकड़ लेता है और उसे शॉक देने ही वाला था कि तभी एरिका उस पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद दोनों मिलकर उसे एक टेबल पर बांध कर उसके गले में कुत्ते वाली कॉलर को लगा देते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक शॉक वाली मशीन से जॉर्ज को झटका देते हुए वही मार डालते हैं। इसके बाद लूसी एरिका पर भी अटैक करके उससे अधमरा कर देते हैं, क्योंकि उसने एडम को सारी सच्चाई बताकर उससे दूर कर दिया था। इसके बाद लूसी उसके सनग्लास और ड्रेस को पहनकर एक स्माइल देते हुए बाहर आती है और उस पूरी जगह पर आग लगा देती है, जिससे किसी को कुछ भी ना पता चले, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।